कल हमने मीटिंग के लिए जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं किसानों के, उनको बुलाया था। उनकी एक कमेटी गठित की गई जो उन्होंने दी हैं, और उन्होंने लिखित में जो मांग दी है कि भाई क्या वो चाहते हैं, वो हमने लिया है उस मांग को। हाँ, उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहे हैं और जो भी डिसीजन होगा बता दिया जाएगा। हाँ, रूटीन उनके मेडिकल चेकअप हो रहे हैं सुबह शाम, और जरूरत पड़ी तो हमने कल रात को भी उनका मेडिकल चेकअप किया है और अभी नॉर्मल ही है। सेक्रेटरी में आने के लिए हमारा जो दूसरा गेट है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वो ओपन है, और किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसलिए हमारे वहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो लगी हुई हैं और आमजन आराम से आ जा रहे हैं। हाँ, कल हमारे दूसरे दौर की बैठक थी और हमारे आंचन को कल बलदेव सिंह सिरसा जी जो सीनियर किसान आगू हैं किसान मोर्चा से, उनको दूसरा दिन था और धरने को तीसरा दिन था। आज हमारे धरने को चौथा दिन है और आंचन को उनका तीसरा दिन है। तो कल प्रशासन ने एसपी साहब और डीसी साहब से, उन्होंने हमारे से लिखित में लिया है कि आपको क्या मांगा है, तो हमने बिल्कुल स्पष्ट लिख के दिया है भी हमारे को जो हमारे पांच किसान साथी जो बेकसूर हैं उनको गिरफ्तार किया है, उनका बिना शर्त के रिहा किया जाए। तो उन्होंने वो हमारी मांग रख ली है और वो कहते हैं जल्द ही हम इसका आपको बताएंगे। तो लग रहा है प्रशासन भी को भी पता है भी किसान अब बरसात होने के बाद, अब तो बरसात नहीं है सूखा पड़ रहा है तो खेतों में बहुत ज़्यादा काम है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पे आए और पूरा संयुक्त मोर्चा जब आ गया तो ये प्रशासन और सरकार दबाव में जरूर आ गए हैं। जो पहले ये एक अग्रेसिव मोड के अंदर थे कि हम ऐसे कर देंगे, दबिश देके पकड़ लेंगे, उसके बाद में गिरफ्तारियाँ रुक गई है और एकदम ये बैकफुट के ऊपर आ गई है। तो अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है जल्दी सी। मेरे भाई ने मेरे ऊपर पर्चा है, हम यहाँ सारा दिन यहाँ बीच में रहते हैं, एसपी के साथ मीटिंग भी करके आ रहे हैं, तो इनकी अब हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी और की ये गिरफ्तारी कर लेंगे।